8 successful. Hattali da, hattali. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली एंड स्ट्रॉन्ग सोल. आज है दिवाली. नहीं, आज दिवाली नहीं है, आज है काली पूजा. सपोजिटली कल है दिवाली. वैसे मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहा है. मुझे जिम जाने में बहुत ज्यादा लेजी फील हो रहा है, बट जिम जाना है. सो अभी मैं कॉफ़ी पी के जिम के लिए रेडी होने वाली हूँ और जिम के लिए निकलने वाली हूँ. उसके बाद शाम को ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट कुछ पटाखे फोड़ेंगे. व्लॉग एंड तक देखिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ. कॉफ़ी पी के मैं अभी निकलने वाली हूँ. मेरे को बहुत ज़्यादा लेजी लग रहा है, एक कॉफ़ी तो चाहिए ही चाहिए. आज ये है मेरी प्यारी ओरियो, मेरी प्रिंसेस का खाना मैंने रेडी किया है, चिकन स्ट्रू और राइस. सिंस मुझे आज जाने में थोड़ा सा लेट हो गया है जिम, सो मैं उसको खाना देके, लंच देके जा रही हूँ. खाएगी चिकन स्ट्रू और राइस. शायद उसको अभी भूख नहीं है, थोड़ा देर बाद खाएगी. ओरियो, से हाय ओरियो, से हाय आनो. आनू कितनी बड़ी हो गई है, इसने आज सर पे तेल लगाया है जम के. आज शैम्पू करना है तो जिम से आने के बाद मैडम शैम्पू करेगी, रेडी होएगी. आज मैंने अपने नए लिफ्टिंग शूज निकाले हैं. आज मुझे कुछ क्रॉसफिट लिफ्ट्स करने का बहुत मन है. लेट्स सी, ये है एस का, एसी तो कहते हैं, एएसई इसका शूज है. देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है. पहुंच गई हूँ और आज मैं उबर करके आई हूँ. यूजुअली मैं अपना साइकिल लेके आती हूँ हर रोज, बट आज मन नहीं था, बहुत लेजी फील हो रहा था, तो साइकिल स्किप करके मैं आज उबर में आई. देखती हूँ जिम्मे की तब भीड़ रहेगा. आई होप जिम खाली खाली रहेगा आज. शाम का टाइम, अभी हम लोग रेडी होने वाले हैं. आनू और ऋतु पहले रेडी हो जाएंगे क्योंकि वो लोग मंदिर जाने वाले हैं. मैं थोड़ा देर बाद रेडी होंगी. आनू सोते हुए मोबाइल कर रही है. आनू क्या हुआ? और उधर से महारानी आ रही है और एक ठो. तो ओरियो का डिनर रेडी है. मैंने सोचा रेडी होने से पहले, पटाखे फोड़ने से पहले ओरियो का डिनर रेडी कर लेती हूँ. और ये कुछ धनिया पत्ती है. आज डिनर में आलू के पराठे हैं, सो मैं धनिया पत्ती की चटनी अभी बनाने वाली हूँ.
लोग की दिवाली सेलिब्रेशन हो गई पूरी तरह से, बहुत ही सिंपल सादी तरीके से दिवाली सेलिब्रेट किया मैंने, थक भी गई हूँ आज। सो आई होप आपकी भी दिवाली बहुत अच्छे से कटी है। मैंने जो आज ब्लॉग शूट किया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से शूट किया, कोई ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा फैंसी चीज़ें पसंद नहीं हैं, सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और भी ब्लॉगर्स हैं जो और भी बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, व्यूज़ के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट मैं यूट्यूब में ब्लॉग दे रही हूँ सिर्फ अपनी वजह से। मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि व्यूज़ आएंगे या लाइक्स आएंगे, नथिंग, जस्ट फॉर माई सेल्फ मैं दे रही हूँ। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा, अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलना पड़ता है इसलिए बोल रही हूँ, बट आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। एक साल तक मैंने ब्लॉग नहीं दिया, तो इस बीच मेरे लाइफ में काफ़ी कुछ बदला है, स्पिरिचुअली काफ़ी कुछ बदला है, मेरे फूड हैबिट्स काफ़ी बदल चुके हैं, मी एज अ पर्सन मैं खुद काफ़ी बदल चुकी हूँ, तो धीरे धीरे वो मैं रिवील आउट करूँगी। अभी ब्लॉग मैं देती रहूँगी, हाई फाई ब्लॉग मेरे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है उतना उमदा एडिटिंग करने का, जस्ट ब्लॉग देना चाहिए, मैंने स्टार्ट किया है ये जर्नी, सो इसीलिए मैं इसको अभी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। इसके लिए इतना ही, मैं फिर मिलूँगी और एक ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।